गुड मॉर्निंग एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 के क्षितिज का चैप्टर यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। कविता की शुरुआत करने से पहले आइए चंद्रकांत देवताले जी के जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून, खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई भाषाओं में हुए हैं। 14 अगस्त 2017 को इंदौर में ही इनका देहावसान हो गया। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बे और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि ने जहां व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। आइए इस कविता के पाठ का परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय इस प्रकार है कि संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि मानव जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कभी इस चुनौती के सामने खड़े होने का मौन का आह्वान करता है। इस सरल शब्दों में कहें तो इस कविता का सारांश ये होगा कि इस कविता में आज के समय में हावी हो रही हिंसा की संस्कृति और मानसिकता के मानव विरोधी पहलू की ओर कवि ने इशारा किया है। वह कहते हैं कि आज विकास की आड़ में जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं और आम भारतीय माँ की तरह कवि की माँ भी जीवन के दुख दर्द को महसूस करती हैं, अपने सुख दुख को लोक मिथक से जोड़कर देखती है। लोक मिथक यानी जो समाज में फैला हुआ जो भ्रम है उनसे जोड़कर देखती भी हैं। लोक मिथक में यमराज मृत्यु के देवता हैं जिनका निवास दक्षिण दिशा में है। जैसे कि लोक समाज में ये बात प्रचलित है कि मृत्यु के देवता यमराज हैं और जिनका निवास दक्षिण दिशा में माना जाता है, उसी तरह के कई अपशकुन भी हमारे समाज में हैं। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना भी समाज में अपशकुन होने का कारण माना गया है। तो इस कविता में कवि की माँ अपशकुन के रूप में जिस डर की चर्चा करती थी, तो कवि के अनुसार अब वो है दक्षिण दिशा से फैल कर सर्वव्यापक हो गई है। यानी वो जो अपशकुन जो था वो चारों तरफ फैल गया है, अब वो केवल दक्षिण दिशा में नहीं रह गया है। कवि के अनुसार देश दुनिया में चारों तरफ विध्वंस, हिंसा और मृत्यु की विभीषिका पसरती जा रही है। कवि इस स्थिति को पहचान कर इंसानियत के सामने, इस चुनौती के सामने खड़े होने का मौन आह्वान करता है। तो आइए अब कविता पढ़ते हैं, यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार
जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इसका अर्थ है कि कवि की माँ एक आस्थावान महिला है, और जताती का अर्थ है मतलब जताती है का मतलब है प्रकट करना, और बर्दाश्त करना यानी सहन करना। तो कवि की माँ एक आस्थावान महिला है, भगवान के ऊपर उनका बहुत भरोसा था, कभी अपने पढ़े लिखे और तार्किक होने के कारण ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जरा आदमी इंसान पढ़ लिख क्या जाता है, सबसे पहले तो वो ईश्वर पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ईश्वर है भी या नहीं। लेकिन ये खैर अपनी पर्सनल बात है कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर के बिना तो ये सृष्टि संभव ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है फिलहाल। तो इसमें कभी अपने पढ़े लिखे और तार्किक होने के कारण ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है। कवि के अनुसार ये बता पाना उसके लिए मुश्किल है कि उसकी माँ की कभी भगवान से मुलाकात हुई होगी। आस्थावान लोग अपनी हर तरह की बातों में भगवान को शामिल किए रहते हैं, उनके लिए उनकी हर बात और कार्य भगवान के कहे अनुसार ही किया गया होता है। कवि अपनी माँ की बातों को भी इसी मानसिकता के साथ देखते हैं। कवि की माँ आस्थावान होने के कारण अपनी सभी बातों में भगवान से मुलाकात होने का एहसास कराती थी, तो कवि को लगता था कि उनकी माँ भगवान की सलाहों से ही अपने जीवन को जीती हैं, वह उनसे सलाह लेती हुई सी लगती हैं। वह अपने जीवन के दुखों को सहने के लिए रास्तों की तलाश भी अपने भगवान से ही पूछ लेती थी। जैसे कभी हम भी परेशान होते हैं या कुछ होते हैं तो हम नहीं कहते हैं ईश्वर अब जो रास्ता दिखाओगे ठीक है, जो रास्ता दिखाओगे जैसा करोगे हमारे संग ठीक है चलेंगे, और क्या करें बर्दाश्त करेंगे, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो वे उसी तरह से कवि की माँ भी थी। कवि को याद आता है कि बचपन में उसकी माँ ने एक सीख दी थी। ये आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तो कवि याद करके कह रहे हैं कि बचपन में उनकी माँ की एक सीख थी, उन्होंने एक सीख दी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा होती है और मृत्यु के देवता यम का निवास इसी ओर होता है। इस ओर पैर करके सोने में यमराज का अपमान होता है। हम जानते हैं समाज में बड़ों की ओर पैर करना उनके अपमान की पहचान मानी जाती है। भाई हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर बड़े कहीं लेटे हुए हैं तो उनकी तरफ आप पैर करके नहीं लेट सकते हैं, और इसी प्रकार से ये बताया गया है कि दक्षिण दिशा की ओर भी पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यमराज क्रोधित हो जाएंगे, जैसे बड़े लोग क्रोधित हो जाते हैं अगर उनकी तरफ पैर करके आप लेट बैठ जाएँ। तो इसी तरह से कवि बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से यमराज को ठीक इसी कारण क्रोध आ सकता है, मृत्यु के देवता होने के कारण यमराज का क्रोधित करना अपने जीवन के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है यमराज का क्रोधित होना यानी आपको उठा लेना, वही कवि ने बताया है। तो इन पंक्तियों में माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम प्रस्तुत किया गया है, और कवि ने इन पंक्तियों में आम भारतीय परिवारों की मानसिकता को भी चित्रित किया है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। समझाइश यानी समझाना, समझ सीख, लांग देना यानी समझाइश यानी सीख देना। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि कवि ने अपने जीवन में एक बार बचपन में उत्सुकतावश अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था,
उनकी माँ ने बताया कि तुम जहाँ भी हो, यमराज का घर वहाँ से दक्षिण की ओर ही होता है। कभी अपनी माँ की इस सीख को पूरे जीवन निभाते रहे और कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए। यमराज के खुश होने या गुस्से होने के बारे में कभी आश्वस्त नहीं है, किंतु उनको इससे इतना लाभ जरूर हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा का ज्ञान जरूर हो गया। वह कहीं भी जाने पर, कहीं भी जाते, वहाँ की दक्षिण दिशा को जरूर पहचान जाते थे। कभी कहते हैं कि वह कई बार दक्षिण दिशा की ओर दूर गए हैं। ये आगे की पंक्तियों में है ये बातें कि ये मैं पढ़ देती हूँ। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। लांग लेना यानी पार कर लेना, और छोर कहते हैं सिरे के लिए, किनारे के लिए। तो कभी कहते हैं कि मुझे दक्षिण दिशा का ज्ञान जरूर हो गया, और कहते हैं कि कई बार दक्षिण दिशा की ओर बहुत दूर दूर तक गए। वह जब भी दक्षिण दिशा की ओर जाते तो उन्हें अपनी माँ की बात याद रहती थी हमेशा कि इस दिशा में यमराज का घर है। वह उसको ढूंढ लेने की कोशिश भी करते थे बहुत दूर दूर जाने के बाद भी, कभी दक्षिण को कभी पार नहीं कर पाया। कभी को ऐसा लगता था कि उसके लिए दक्षिण दिशा का सिरा पा लेना संभव नहीं है, क्योंकि अगर वह सिरा पा लेता तो निश्चित ही यमराज का घर भी देख लेता। इन पंक्तियों में कवि ने अपने समय और समाज को अच्छी तरह जानने और बताने का प्रयास किया है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आलीशान कहते हैं भव्य शानदार को, दहकती यानी जलती हुई, और विराजते हैं यानी रहते हैं। इन पंक्तियों में कवि माँ की बातों को याद रखते हुए वर्तमान समय और समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि आज का समय पहले से कहीं अधिक बदल चुका है, और समाज में कई बुराइयां और हिंसा बहुत अधिक फैल चुकी है। तो कभी अपने समय की इस भयावता को यमराज की दक्षिण दिशा वाले पाठ से जोड़कर स्पष्ट करते हैं कि चारों तरफ हर तरह की हिंसा और मृत्यु का ही साम्राज्य उन्हें दिखाई देता है। उन्हें केवल एक ही तरह की हिंसा का रूप नहीं दिखता, आज तो हर तरह की हिंसा का नंगा रूप सामने है। इसीलिए कभी को लगता है कि अब तो हर दिशा में यमराज का घर हो गया है। हमारा समाज हिंसा करने वाले लोगों को सम्मान और तमाम तरह की सुविधाएं दे रहा है। बड़े बड़े सफ़ेद पोश अपराधियों के लिए विशाल अट्टालिकाएँ खड़ी हो रही हैं, जहाँ से यमराज की भांति अपनी दहकती आँखों से भी सबको घूरते से लगते हैं। और कभी कहते हैं कि अब तो उसकी माँ नहीं है, वह यमराज की जिस दिशा के बारे में जानती थी वह दिशा भी अब पूरी तरह से बदल गई है। कहने का आशय ये है कि अब हिंसा और मृत्यु का एक तरीका नहीं रह गया है। आज के समय में रोज नए और क्रूर तरीकों से हमारा पाला पड़ रहा है। मृत्यु के देवता यमराज ने जैसे चारों दिशाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। जो आजकल जिस तरीके समाज में हिंसाएं बढ़ रही हैं, तरह तरह से हत्याएं, मर्डर होती हैं, उन सब से कभी को लग रहा है कि यमराज की अब दिशा एक ही तरफ नहीं है, और हर तरफ उन्हें अब ये यमराज ही दिखाई देते हैं। जो क्रूर हत्यारे हैं, जो निर्मम हत्याएं करते हैं, तो वो तो सब यमराज ही हुए। किसी का जीवन लेना यमराज का ही काम है, तो कोई जीवन लेता तो वो यमराज के समान है। कवि ने यही सब बताया है। और इस कविता में आज के समय में हिंसा की स्थितियों के जो चारों तरफ फैली हुई हैं, उनका संवेदनशील चित्रण किया है। और इन पंक्तियों में बड़े गहरे अर्थों वाले प्रतीक, जैसे यमराज के आलीशान महल, दहकती आंखों वाले यमराज आदि का भी प्रयोग उन्होंने जो किया है। ये अनुप्रास अलंकार का इसमें कविता में काफ़ी प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।